एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे मुल्क की जिन्होंने बड़ी अथक मेहनत से लगन से आज अपना ये मुकाम बनाया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ गौहर साहब। इतना बड़ा मुकाम बना लेना और इतनी स्ट्रगल करना, तो ये किस तरह से आपने किया? ये मकाम और ये इज्जत, ये रुतबा, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का काम होता है। जो इंसान शॉर्टकट करके जाता है तो वो बहुत जल्दी गिर जाता है। जाती जिंदगी में अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जाती जिंदगी में तो सुकून महसूस करते हैं। जितना भी कारोबार करते हैं, हमने अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बना के रखा हुआ है। फिल्में वगैरह देखने का या मौसीकी से आपको लगाव है? बहुत ज्यादा। उस टाइम पे तो छोटे हुआ करते थे, जो मोहल्ले में फिल्में लगाया करते थे चंदा इकट्ठा करके, तो वो हम भी किया करते थे। हमारे दौर में यही होता था। अगर आपको सैर व तफरी के लिए इनके कोई पार्टनर आपको इनमें से दिया जाए, आप किसको ले जाएंगे? मेरे ख्याल से रीमा को लेके जाऊंगा। रीमा को? तो आप क्या देखते हैं अब अपनी मुल्क की से ये मईशत को? मईशत तबाह हाल है। मैं तो आपको पहले यही मैं आपको गुजारिश कर रहा था कि पहले मईशत तबाह हाल थी, क्योंकि डायरेक्शन कोई नहीं रही थी। नए बिल्डर होते हैं कि आबाद क्या काम करता है? जो आबाद है उसका भी मुखफ्फफ आबाद है, बेसिकली एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। तो पूरे पाकिस्तान की जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनकी एसोसिएशन है, जिसे हम आबाद कहते हैं। हनीफ गौहर साहब एक मारूफ बिजनेसमैन है, ये कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक हैं।